नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। लगभग 12 वर्षों से मैं अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज का वीडियो है, अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आपके शरीर के अंदर आएंगे, क्या लक्षण और साइन आएंगे, और आपको कल ही जाके जाँच करा लेनी है अगर इसके अंदर से 50% आपको लक्षण मिलते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में आपको अपनी लीवर की जाँच भी करवा लेनी है, क्योंकि हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल जो कोलेस्ट्रॉल वाली जांच होती है और जो हम LFT करवाते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कि अगर आपकी लिपिड बढ़ी हुई है तो आपका लीवर भी थोड़ा गड़बड़ मिलेगा, फैटी लीवर अगर आपका अल्ट्रासाउंड मारा है तो ये भी हो सकता है कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन आती है यहाँ पे एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है कि घबराहट होना। घबराहट होना एक जनरल टर्म है, और एंजाइटी पैनिक डिसऑर्डर होना एक ऐसी कंडीशन है जहां पे पेशेंट को बार बार घबराहट होती है और उसको कारण पता नहीं लगते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आधे घंटे के लिए ऐसी घबराहट होती है कि मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता हूँ। एंजाइटी होती है, बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, घूमता है, और इसके साथ साथ उसको कुछ सिम्टम्स और आते हैं, जैसे हैवी प्रेस्पिरेशन होना, हैवी स्वेटिंग होना, मतलब कि उसको बहुत ज्यादा पसीना आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाई पल्पिटेशन उसको होनी शुरू हो जाती है। तो घबराहट होना और उसको पता नहीं लगना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दो बार अगर हो जाए तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेशेंट को ये कई बार हो रही है, दिन में कई कई बार हो रही है और डेली हो रही है, तो ये समस्या है। अगर पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, अधिकतर देखा जाता है महिलाओं में जिनको थायराइड होता है, ये वाली समस्या देखने को मिल जाती है। तो घबराहट हो रही है जिसका आपको कारण पता नहीं लग रहा है, और BP भी आपका लगभग नॉर्मल सा मिलता है, तो आपको लिपिड की जाँच अपनी करवा लेनी चाहिए। अगला आता है इसमें ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, आपका वेट जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, लगभग 10 किलो 20 किलो ओवर चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर भी चांसेस हैं कि आपको आने वाले समय में कोई हार्ट की बीमारी ना हो, और हार्ट की बीमारी ना हो उसके लिए आपको अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच करवानी होगी। हार्ट की बीमारी ना हो का क्या मतलब है, क्योंकि जो हार्ट की जो बीमारी हम देखते हैं, इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। जो हार्ट की बीमारी होती है, देखा जाता है कार्डिक ब्लॉकेज होना या फिर हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना। आपने सुना होगा कि उसको हार्ट अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उसका कारण होता है जो हार्ट को जो सप्लाई देती है कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट है उसको जो सप्लाई दे रही है कोरोनरी आर्टरीज, इसके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है कि ये यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ पे थक्का आके जम चुका है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आके जम चुका है, यहाँ पे लिपिड आके जम चुका है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। जो हमारा हार्ट है जो पंपिंग कर रहा है, हमेशा पंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो सप्लाई है जब वो बाधित हो जाएगी, रुक जाएगी, तो अपना जो हार्ट है वो काम करना बंद कर देगा। इसी कंडीशन को हार्ट अटैक बोला जाता है, क्योंकि वो जो ब्लॉकेज होता है वो कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड दोनों से मिलके बन जाता है, वो थक्का सा, तो उससे ब्लॉकेज होता है। जब वो हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वो रहता है, तो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज हैं उसके अंदर वो जाके फंस जाता है। थ्रम्बोसिस भी इसको बोल सकते हैं, कार्डिक ब्लॉकेज भी बोल सकते हैं, और हाई कोलेस्ट्रोल की वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। तो कोलेस्ट्रोल का सही रहना इसलिए बहुत जरूरी है, इसलिए लीवर का सही रहना बहुत जरूरी है, इसलिए वेट का रहना बहुत जरूरी है कि आपका सही वेट रहे, ठीक है। तो अगर आप ओबेज हैं तो अपनी कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवा लें, जिससे आपको आने वाले समय लीवर की डिजीज ना हो, हार्ट डिजीज ना हो, इवन डायबिटीज भी ना हो, क्योंकि आने वाले समय में जब भी ये प्रॉब्लम होती है तो कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो जाती है ओबेसिटी वाले पेशेंट के अंदर। इसको जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, एंकल ज्वाइंट्स में दर्द रहना शुरू हो जाता है। पेशेंट अपनी जांच करा रहे हैं जी, हमने यूरिक एसिड करा लिया, RA फैक्टर करा लिया, कैल्शियम करा लिया, विटामिन डी करवा लिया, विटामिन B12 करवा लिया, लेकिन हमारी सारी जांच ठीक हो गई है। तो भाई सबसे बड़ा कारण पेशेंट की बॉडी में है कि उसका जो इतना ओवर वेट है उसकी वजह से उसको दर्द बना हुआ है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें, अगर आपको हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम रहती है, मतलब कि आपका BP बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो आप वहां पे भी जाके अपनी कोलेस्ट्रोल की जाँच जरूर करवाइए। कई बार होता है कि जहाँ पे कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है तो BP पेशेंट का बढ़ा हुआ मिलता है। अगली कंडीशन आती है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो होगा मतलब सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। सीने में दर्द कैसा होता है, उसको हमेशा अपने सीने में भारीपन लगता है, और भारीपन कैसे लगता है कि उसको एक तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं है, उसको पेट ठीक से साफ होता है, गैस भी ज्यादा नहीं बनती, लेकिन उसको फिर भी चेस्ट पेन रहता है, हैवीनेस उसके अंदर रहती है, ठीक है, हल्का हल्का दर्द रहता है, मीठा मीठा दर्द रहता है, उसको लगता है कि सीने में हमारे कोई प्रेशर सा बना हुआ है। तो अगर ये लक्षण है तो आप जाके अपनी कोलेस्ट्रोल की जाँच जरूर करवाइए। अगला सिम्टम दोस्तों इसमें ये भी आता है कि लोअर लेग पेन, जिसको काफ मसल्स बोलते हैं और आम भाषा में जिसको पिंडलिया बोलते हैं। पेशेंट को कई बार इनमें दर्द रहता है कि बॉडी के अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहा, बट ये सिम्टम आ रहा है। सारी जांच हो गई है, कैल्शियम, विटामिन डी, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर देख लिया चेक करके, हाई
हाई बीपी देख लिया, कुछ नहीं आ रहा, बट उसको पेन आ रहा है। तो कई बार डायग्नोस करने के लिए लिपिड प्रोफाइल की भी जांच कराई जाती है कि देखा जाता है कि भी पेशेंट का कोलेस्ट्रोल वगैरह तो नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा आती है कंडीशन के सर में भारीपन होना। पेशेंट को हमेशा अपने सर में लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा भारी है, किसी ने वजन रखा हुआ है। तो ऐसी वाली जो सेंसेशन है ये हाई लिपिड प्रोफाइल में भी देखने को मिलती है, वही पेशेंट का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है। एक कंडीशन आती है जेंथोलिज्मा, इसका नाम है, जो कि आंखों के साइन से पता लग जाता है पेशेंट के, जेंथोलिज्मा, कि आंखों के ऊपर यहाँ पे लिपिड इकट्ठा होना शुरू हो गया, नीचे भी हो सकता है, ऊपर की साइड में मोस्टली देखा जाता है। तो कई बार पेशेंट को, जब वो पेशेंट आता है तो देख के पता लग जाता है, तो उसकी हम लिपिड की जांच कराते हैं, वो नॉर्मल मिलती है अधिकतर केस में। उसका कारण दोस्तों ये होता है कि जो उसकी हिस्ट्री है उसमें पेशेंट को जब ये निशान पड़े तो उस समय वो हाई रहता है, बाद में जाके देखा जाता है कि वो कंडीशन जब उसकी ब्लड में तो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ये जो साइन है ये छोड़ जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे हमारे ब्लड के अंदर लिपिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो हमारी स्किन पे वो दिखने लगी है, और पेशेंट को इसके बारे में पता नहीं लगा, और फिर वो जैसे डाउन हुआ, अपने आप डाउन हुआ, या एक्सरसाइज या योगा करने से डाउन हुआ, या पसीना ज्यादा बहाने से वो डाउन हुआ, तो वो जो कंडीशन है ब्लड वाली वो तो ठीक हो गई है, लेकिन ये जो साइन है ये रह गए। ठीक है, इसी कंडीशन को जेंथोलिज्मा बोलते हैं। ठीक है, लिपिड ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये साइन आपकी बॉडी में, तो आपको कोलेस्ट्रोल की जांच करवानी चाहिए। अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको अपनी जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं अब आपको जांच के बारे में बता देता हूँ। इसको लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं। ऐसा नहीं करना है कि डॉक्टर साहब हमारी कोलेस्ट्रोल की जांच कर दीजिए, लैब वाले से कभी आप जाके बोल दें तो आपको केवल कोलेस्ट्रोल की जांच करके दे देंगे। ठीक है, आपको कोलेस्ट्रोल नहीं, आपको पूरी जांच करवानी है, जिसको बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। तो लिपिड प्रोफाइल आप करवाएंगे, लगभग 400 रुपए से लेके 500 रुपए तक की जांच होती है। खाली पेट इसका सैंपल जाएगा, तो कुछ नहीं खाना पीना, पानी आप पी सकते हैं, चाय भी नहीं पीनी है, और ब्लड से इसका सैंपल जाएगा। 1-2 दिन में आपको जांच दे दी जाएगी। उसमें आपको दो चीजों पे ज्यादा विशेष ध्यान देना है। एक तो आपका टोटल कोलेस्ट्रोल कितना चल रहा है, 200+ में है और 250 से नीचे है, 250 से नीचे है, तो आप अपना एक्सरसाइज, योगा, परहेज करके ठीक कर लीजिए। 250 से ज्यादा मिलता है तो आप इसमें ट्रीटमेंट जरूर लीजिए। साथ में लीवर के अंदर समस्या मिलती है तो लीवर का ट्रीटमेंट भी बहुत जरूरी है, तब जाके ठीक होगा। ट्राइग्लिसराइड की हम बात करते हैं, अगर 150 है तो वो नॉर्मल है, 150 से नीचे है तो बहुत अच्छी बात है। एलडीएल की बात करते हैं, जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये भी खतरनाक होता है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रखिए, इनको आप मेंटेन करके देखिए। थोड़े थोड़े बढ़े हुए हैं तो मत डरिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा वेट कम कर लीजिए, तला भुना का परहेज रखिए आप, चिकनाई बिल्कुल बंद कर दीजिए, तब जाके आपको फायदा लगेगा। 1 या 2 महीने बाद कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप अपनी जांच करवा सकते हैं। इसको सही रखना बहुत जरूरी है। कुछ पेशेंट करते हैं जिनको 220 भी अगर टोटल कोलेस्ट्रोल आ रहा है, वो खून पतला करने वाली मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं, जैसे एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार को डॉक्टर्स उनको डरा देते हैं, भाई ये ऐसा है वैसा है, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वही जैसे मैंने आपको बताया, 250 से नीचे है तो आप उसको कम कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, इन सारी चीजों को फॉलो करके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। नमस्कार। किसी भी तरह की कंडीशन के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।